अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स, कैसे खैरियत से ठीक है। मैं हूँ शहजाद मेमन भाई। आज मैं आपको बहरिया टाउन कराची में लेके आया हूँ। बहरिया टाउन कराची के अंदर वाइट शेरनी ने 6 बच्चे दिए, 6 पूरे पूरे 6 बच्चे, और बिल्कुल वाइट क्यूट से बेबी, इतने खूबसूरत है आप यकीन माने। ये साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पाकिस्तान में शेरनी ने 6 बच्चे दिए। तो मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ बहरिया टाउन डेंजू के अंदर, आपको विजिट भी कराऊंगा डेंजू का कि डेंजू में और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे जराफा है, जेब्रा है, और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, लॉइंग है, मुख्तलिफ किस्म के शेर इस वक्त मौजूद है। तो हम आपको लेके भी चलेंगे और विजिट भी कराएंगे। तो आपसे ज़रूर एक दफ़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा, मैसेज ज़रूर कीजिएगा, और आप बताइएगा कि शेर के बच्चे कैसे हैं, और बिल्कुल ऐसे क्यूट से बेबी हैं तो सुना है। तो हम चलते हैं और आपको विजिट भी कराएंगे, आप मेरे साथ रहिएगा। और अंदर आमिर भाई होते हैं, जू के ऑपरेशन मैनेजर हैं, और डॉक्टर प्रेम हैं जो इनको लॉइंग को देखते हैं और सारी इनकी हेल्थ के हवाले से देखते हैं। 24 दिसंबर को ये पैदा हुए थे और आज तकरीबन लगभग महीने के करीब होने वाला है। तो मैं जैसे ही हमें पता चला तो हमने सोचा कि आपको भी दिखाएंगे कि वाइट शेर के बच्चे कैसे हैं। और ये साउथ अफ्रीकन अफ्रीका के हैं ये शेरनी, जिसने 6 बच्चे पैदा करे हैं, और ये है कराची के बहरिया टाउन और डेंजू के अंदर। तो डेंजू आप बहरिया टाउन तो मशहूर भी है, किसी तारुफ का मोहताज भी नहीं है। तो हम चलेंगे डेंजू, और डेंजू में वो शेर के बच्चे मौजूद हैं तो हम आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चलिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से ठीक है। मैं हूं शहजाद मेमन। मैं आज आपको बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं पाकिस्तान की आवाम के लिए, और बिलखसूस कराची की आवाम के लिए। वाइट शेरनी ने 6, एक नहीं दो नहीं, बिल्कुल 6 बच्चे बिल्कुल दिए हैं, और आप देख सकते हैं 6 के 6 ये हैं। ये साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम, यानी तारीख की पहली दफ़ा शेरनी ने 6 बच्चे दिए हैं, और वाइट बच्चे हैं आप देख सकते हैं। तो ये बहरिया टाउन कराची में है डेंजू के अंदर। तो अभी पब्लिक के लिए, नुमाइश के लिए अभी तक नहीं रखे गए, क्योंकि अभी इनकी सेहत बहुत अच्छी है। जब ये 24 तारीख को जब ये पैदा हुए थे तो इनका 1 किलो कुछ ग्राम था, आज माशाल्लाह से तकरीबन 1 मंथ होने वाले हैं, और तकरीबन इनका जो वेट है वो 4 kg का है। तो मैं आपको यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं आमिर उस्मानी साहब, और इनके जो हेल्थ के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर पिया, उनसे भी मैं आपको आपकी बातचीत कराऊंगा। और जब तक मैं थोड़ा सा आपको इन शेर के साथ दिखाऊंगा कि ये शेर जो हैं, ये देखें आप, ये जो बच्चे हैं ये देखें, इतने क्यूट से बेबी हैं ये देखें, और ये अभी आवाम के लिए तक खोले नहीं गए, ये देखें आप, ये देखें ये कितने क्यूट से बेबी हैं। और बिल्कुल आज मैं इनके पास मौजूद हूँ। चलते हैं आमिर भाई के पास, और आमिर भाई से पूछेंगे कि इनकी डिटेल थोड़ी सी आप बताइएगा कि इनकी क्या कंडीशन है इस वक्त और क्या होने है।
I'm Dr. Prasad Thiruvarna, head veterinarian Dan Subaria Town, Karachi. So here we are with the South Asia's largest white lion litter. So you can see the mother, proud mother, she's the Arya. And behind the Arya, you can see the Drago. Drago is the proud father. So the importance of these is they are African white lions. They are not the separate species, they belong to the same species that we can easily see the South African lions. So they are the color deviation. It is not the albinism. Because of actually many people believe that it is albinism. No, this is not the albinism. This is just a color change. So actually, unfortunately, between 1992 and 2004, their wild population got zero. Then because of the, you know, there were many institutes and breeding programs, they started wild lion breeding programs. Then because of their huge effort, actually now we can see the wild African white lion population in South Africa. But after the after their effort, there are many institutes in the world, they start a breeding program, especially USA and Australia and some developed countries. But yes, proud to say that as a Pakistan institute, so we started the same. And we currently we have 15 white lions, and we are, this is the largest litter reported in South Asian countries. And another thing, this is not a very easy task. Actually, during the pregnancy, we realized that, oh, Arya is going to deliver a huge litter, but we did not expect this much. But 24th December, we realized that, oh, it was 6 cubs. So we were so happy, at the same time, we were so upset. Why? It is not easy task to nourish these all. But we realized that maternal care is the best important thing. Then what we did is, we provided a good environment for the Arya. Nutritional supplements, medicinal, and to keep the environment very calm. We given music medicine therapy that makes the Arya so lovely. Then what happened? The return goes to the babies. So babies starting from 1.2 kilos, now they become almost 4 kilos. So there you can also you also can see that they are very physically, mentally very healthy, and they are so cooperative and so lovely. So we are proud to say that we achieve that target in future as the Barrier Town, as the Dan Zoo. So we will do something extraordinary and we will compete with the world definitely. Thank you very much. Assalamu alaikum. Mera naam Aamir Sami Usmani hai. I am head of Operation Dan Zoo. Main apni Pakistani awam ke saath ye happy moment share karna chahta hoon ke hamare yahan Barrier Town Karachi Dan Zoo mein hamari ek African safed sherni ne 6 bachchon ko janam diya hai jo ke South Asia mein सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. और ये पहली दफ़ा ऐसा मौका है कि इस नस्ल के इतने सारे बच्चों की एक साथ पैदाइश. और ये एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी, हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है. और मैं अपनी मैनेजमेंट का, बैरियर टाउन मैनेजमेंट, चेयरमैन रियाज मलिक साहब, सीईओ बैरियर टाउन अली मलिक रियाज साहब एंड सीईओ अहमद हयात साहब बैरियर टाउन कराची का शुक्रगुजार हूँ. और टॉप मैनेजमेंट की तरफ से जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, उसके ज़रिए हम यहाँ पे और भी बहुत से ब्रीडिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं. और हमारा मकसद, हमारी टॉप मैनेजमेंट का विजन और उनका मकसद भी यही है कि जानवरों को सिर्फ जू में रखना नहीं बल्कि उनकी अफजाइश नस्ल के लिए भी काविशे करना है. अच्छा, ये बताया गया इनकी पैदाइश कब हुई थी और उनकी उस वक्त की क्या कंडीशन थी और अब कैसी हेल्थ है? इनकी पैदाइश हुई थी जी 24 दिसंबर 2023 को, और उस वक्त इनका वजन था एक बच्चे का 1 किलोग्राम. उसके बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेट टीम की काविशों से वो इसको क्लोजली मॉनिटर कर रही है एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. और आज अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे का वजन तकरीबन कोई 4 किलोग्राम है और ये और सब के सब माशाल्लाह सेहतमंद है. अच्छा, इनको खाने में क्या दिया जाता है, इनकी मदर को और इनको क्या, दोनों को क्या खाने में दिया जाता है? देखें, ये हमारी वेट टीम ने काफ़ी रिसर्च के साथ इस दफ़ा की जो प्रेगनेंसी थी हमारी, इस जो आर्या इनकी मदर है उसके लिए स्पेशल केयर किया, उसकी डाइट में स्पेशल सप्लीमेंट्स ऐड किए, उसकी मीट की क्वांटिटी को देखते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसकी डाइट को बढ़ाया. बच्चे अभी चूंकि मदर फीड पे हैं तो डेफिनेटली जो मदर है उसका स्पेशल केयर और ज़्यादा की जा रही है ताकि वो इन सबको टाइमली इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके. अच्छा, ये बताइए कि कराची की आवाम के लिए कब इनको दिखाया जाएगा, क्योंकि आवाम तो बड़ी खुश है कराची की कि ये 6 बच्चे जो वाइट बेबी है हुए हैं, तो इनको कब पब्लिक के लिए? देखें, ये एक समझे मिलियन डॉलर क्वेश्चन बन चुका है इस वक्त, क्योंकि हमारे पास भी कई रिसोर्सेज से इस तरह के सवाल आ रहे हैं. लेकिन अभी हम चूंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इनकी हेल्थ,
अभी हम जब तक के वेट टीम हमारी एक इंस्पेक्शन के बाद कोई डेट हमें टेंटेटिव टाइम नहीं बताती, जब तक हम कोई भी डेट अनाउंस नहीं करते नहीं कर सकते, बट अनकरीब इंशाल्लाह जैसे ही कोई डेट ऐसी फाइनलाइज हो जाती है आफ्टर देयर एग्जामिनेशन देन वी विल अनाउंस दैट डेट। अच्छा, कराची की आवाम को और क्या ऐसी क्या खुशखबरी बैरियर टाउन देने जा रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी और मजीद होगी? देखिए, हम जो हमारी मैनेजमेंट का विजन है हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे ब्रीडिंग प्रोग्राम हम यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंशाल्लाह अनकरीब आपको डिफरेंट काइंड के और इस तरह की गुड न्यूज़ हम देंगे इंशाल्लाह।